हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक और मार्केट का। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बंजारा मार्केट को। यूट्यूब बंजारा मार्केट की वीडियो से ना भरा पड़ा है। सब बोलते हैं कि यहाँ पर होम डेकोर की बहुत ही सस्ती चीजें मिलती हैं और बहुत यूनिक चीजें मिलती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं मार्केट में चल के क्या सच में ऐसा है या नहीं। तो सबसे पहले हम येलो लाइन लेके सिकंदरपुर पहुंचे। डायरेक्ट थी हमारी यहाँ से येलो लाइन, और उसके बाद हमने सिकंदरपुर से चेंज की मेट्रो और सेक्टर 55-56 के लिए रैपिड मेट्रो ली। और वहाँ से बंजारा मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी। सो हम गए थे न्यू बंजारा मार्केट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुरानी वाली बंजारा मार्केट अब बंद हो चुकी है। सो जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि नई वाली बंजारा मार्केट की भी कुछ शॉप्स हटाई जा रही हैं। एनीवेज ये हमने एंटर कर लिया था बंजारा मार्केट के अंदर, और अंदर एंटर करते ही जो आपको सबसे पहले दिखेगी वो दिखेगी क्रॉकरी ही क्रॉकरी, और उसके साथ ही इस तरह की फ्लावर वाज जो कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बहुत ही एस्थेटिक लुक आता है। अब मैं देख रही थी हैंड वॉश की और स्प्रे बॉटल्स थी कुछ, जिनका प्राइस 100 रुपीज ईच बता रहे थे ये। बट ये है कि हाँ, बार्गेनिंग करके अगर आप जितनी क्वान्टिटी ज़्यादा लेते हैं तो बार्गेनिंग करके ये प्राइस भी बहुत ही कम कर लेते हैं। अब ये जो मैं फ्लावर वाज देख रही हूँ, छोटे वाले का प्राइस 100 रुपीज कोट कर रहे थे और बड़ा वाला 200 का था। आपने बहुत सी इंस्टाग्राम की रील्स और फोटोग्राफ्स वगैरह में इस तरह के फ्लावर वाज देखे होंगे जो बहुत ही एस्थेटिक लगते हैं। और इसी तरह से अब ये मिरर थे सामने, बहुत ही प्यारे लुक, बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही इनके पास ये कुछ वुडन स्टैंड्स थे जिन्हें आप चाहें तो प्लांटर्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप होम डेकोर की आइटम्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस इन्होंने 2000 कोट किया था, और जो पीछे मिरर दिख रहे हैं वो बड़े साइज का जो मिरर है उसका प्राइस ये 5500 बता रहे थे। पर एक बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है, बिल्कुल डबल प्राइस बताते हैं। अगर ये आपको 2000 बता रहे हैं तो वो 1000 में बहुत ईजीली चीज़ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है बंजारा मार्केट में। इनके पास ना एस्थेटिक से मिरर्स थे और कुछ यूनिक से ना आइटम्स थी, फ्लावर वास थे बहुत प्रिटी से, जो कि वुडन में थे, और मिरर भी इनके पास वुडन में भी थे। और इसके साथ ये एस्थेटिक लुक वाला जो वाइट वाला मिरर मैं आपको दिखाया था मैंने अभी आपको, जिसका प्राइस इन्होंने 5500 बताया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ डिफरेंट से ना मेटल और ग्लास के टेबल्स थे, कुछ प्लांटर स्टैंड्स थे जो बस घर में रख लिया तो समझो चार चांद लग जाएंगे। ये तो मान लिया कि होम डेकोर के आइटम्स के लिए बंजारा मार्केट इज़ द बेस्ट। हाँ, बस ये है कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये देखिए इस तरह के सामने आपने ये लैम्प्स ना यूट्यूब की बहुत सी वीडियोज़ में आपने देखे होंगे। कुछ लोग होम डेकोरेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, कुछ अपना जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनका बैकग्राउंड को एनहेंस करने के लिए भी इस तरह के लैम्प्स का यूज़ करते हैं। प्राइस की बात करूं तो कोई 1500 का था, कोई 2000 का था। बस वही है सेम चीज़ कि आपको बार्गेन तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी बार्गेन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये कुछ टेबल लैम्प्स थे इस तरह के, आपने ना कपूर लैम्प्स भी देखे होंगे छोटे छोटे, बस ये उसी का ही बड़ा साइज था। और इन्हीं की शॉप पर ना कुछ पेंटिंग्स भी थी, ये जो आप देख रहे हैं ये राधा कृष्ण की पेंटिंग है जो 500 की बोल रहे थे। पर हाँ, वही चीज़ है कि 500 की बोल के भी 250-300 में तो इजीली दे ही देंगे। और इस तरह के लैम्प्स भी आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे। ये जो आप डियर का सामने पेयर देख रहे हो ये 2500 का बोला था, पर हमारे सामने ही किसी ने 1250 में ये खरीदा था। और ये प्लांटर्स थे 500-500 के, और इस तरह के अमेज़ोन पे भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं इस तरह के प्लांटर्स। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस शॉप पे जो कि मुझे पूरी बंजारा मार्केट में सबसे बेस्ट लगी। इनकी शॉप पर होम डेकोर के इतनी सुंदर सुंदर आइटम्स हैं ना
कि बस मैंने इनकी शॉप का एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि इस वीडियो के बाद ही आएगा, क्योंकि इतनी सुंदर आइटम्स थी और इतने अच्छे से भैया ने दिखाया कि बस मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं इनका ना बहुत इस वीडियो में छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ, पर इनकी शॉप का मैंने पूरा एक वीडियो शूट किया है, एक एक आइटम का वीडियो शूट किया है जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। अभी तो ये सिर्फ आप ये देखिए कि ये छोटा सा आपको ट्रेलर दिखाया है, बट नेक्स्ट वीडियो में एक एक आइटम विद प्राइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस इनकी शॉप से जैसे ही निकले तो मौसम बहुत ख़राब हो गया था, हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, तो हमने भी सोचा जल्दी जल्दी जितना हो सके वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि बस ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। हाँ, तो अब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्यूट से छोटे छोटे से लैम्प्स हैं, इसमें आप कैंडल्स जला सकते हैं या मतलब एज अ लैम्प इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका था 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़, बार्गेन तो आपको करना ही पड़ेगा, हर चीज़ का आधा प्राइस बताइएगा जाके। और अब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सुंदर सा वाज है, ये मेटल में था, वेट नहीं था इसका, बहुत हल्का था, लाइट वेटेड था। प्राइस जो इसका बता रहे थे ये 1500 का बता रहे थे, मैं बस ट्राई कर रही थी बार्गेन करने का कि कुछ प्राइस कम करते हैं, कितना कम करते हैं, तो बस छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद पीछे से वो लेडी आ गई कि नहीं मैम ले लो ले लो ले लो, बस करते करते 700 में तो आ ही गए थे देने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरा उठाया तो इसका एकदम से इन्होंने 1200 बताया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है वो 1500 का, ये 1200 का, वो आप 700 का दे रही हो तो अब ये कितने का दोगे। और इस तरह की आपको बहुत सी वुड की आइटम्स भी मिल जाएंगी जिसमें से कि आपको छांटना पड़ेगा, ट्रेस हैं, बाउल्स हैं, पॉट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, बट इन सब चीज़ों में आपको छांटना पड़ेगा। सबके प्राइस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थे, 100 रुपीज़ से स्टार्ट था। और उसके बाद ये देखिए ये एलिफेंट इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, ये फाइबर में थे और इनका क्लोजअप मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से जैसे साउथ इंडिया में कुछ नक्काशी वगैरह करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, सेम वही चीज़ थी। 2000 का एक बोल रहे थे, प्राइस तो आपको हर जगह पे हर शॉप पे कम करवाना ही पड़ेगा। और ये कुछ होम डेकोर की आइटम्स थी और गॉड के आइडल्स भी थे जिस, और कुछ डेकोरेटिव पीस थे जिसे होम डेकोर में आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस सबके डिफरेंट थे, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ से स्टार्ट थे और 500-600 तक इन्होंने मुझे दिखाया था। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम आगे की तरफ चले थोड़ा सा तो बस ये देखिए क्रॉकरी ही क्रॉकरी, जहाँ देखेंगे वहाँ क्रॉकरी आपको दिखेगी, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न्स, इनसेन थी इनकी कलेक्शन। और जब हम ये मार्केट से बाहर की तरफ निकलने लगे तो हमें कुछ इस तरह के प्लांटर्स दिखे, 50 रुपीज़ से स्टार्ट थे, छोटा जो प्लांटर था वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट था, और ये जो बड़ा वाला येलो वाला जिसपे ये हाथ लगा रहे थे ये 200 रुपये का बोल रहे थे। बहुत से प्लांटर्स थे और कुछ आपने देखा होगा कि इनडोर प्लांट्स जिसमें हम लगाते हैं, छोटे छोटे से प्लांटर्स होते हैं, डक बनी हुई होती है या एलिफेंट इस तरह का कुछ बना हुआ होता है, ये सब जो प्लांटर्स थे ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट थे। और नेक्स्ट उसके बाद निकलते निकलते एक शॉप हमें दिखी, रोक ही नहीं पाई मैं खुद को अंदर जाने से, क्योंकि मुझे इतने सुंदर सुंदर टेबल मैट्स दिखे, सीक्वेंस का काम था, मोती वर्क था उसके ऊपर, और जो प्राइस थे इनके 200, 250, 300 इस तरह से प्राइस थे। टेबल मैट्स थे ये, आप वर्क देखिए कितना सुंदर वर्क हो रहा है, बस आप जाओगे ना यहाँ से पक्का लेके आने वाले हो आप कुछ। और यहाँ पे ये शॉपकीपर प्राइस बता रहे थे कि ये वाला जो है ये 250 का है और ये जो बड़े वाला है इसका प्राइस इन्होंने 500 बताया था और जो छोटे वाले थे वो 200, 250, 300 का प्राइस बताया था। इसी तरह से ये कुशन का भी बता रहे थे कि कुशन भी हैं, बेडशीट्स भी हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये कुशन कवर्स थे कुछ सीक्वेंस वर्क के साथ, मोती वर्क के साथ कुशन कवर्स भी इन्होंने दिखाए थे। मीन्स ये है कि आप वहाँ पर अगर बंजारा मार्केट में जाएंगे ना तो आपको होम डेकोर का
सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ बेडशीट, रग्स, कारपेट्स, बहुत कुछ है। ये गुजराती वर्क हो रखा था, ये जो कुशन कवर दिखा रहे थे जिसपे गुजराती वर्क था, इसी तरह से ये पिलो कवर थे मोती वर्क के साथ, प्राइस था 1000 रुपीज बोथ। अच्छा, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है या वर्क के ऊपर? वर्क के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, पूरा थ्रेड वर्क हो गया ना इसका। ये बीट्स वर्क है, ये 1000 का है। और ये फैब्रिक क्या है? जूट। के साथ ही एक शॉप ये भी थी, इनकी शॉप पर भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, बट अभी स्टॉक कुछ कम था। बट मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो इनकी शॉप का भी एक वीडियो ज़रूर शूट करके आने वाली हूं, क्योंकि जो भी भाई साहब थे यहां पे वो भी बहुत अच्छे से दिखा रहे थे सामान। तो बस मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी इनकी शॉप का बहुत अच्छे से एक शूट करके आऊँगी, क्योंकि इनकी शॉप पर भी वैरायटी बहुत अच्छी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये मैट, इसका प्राइस 1000 रुपीज़ बोल रहे थे, बट वो 20% का डिस्काउंट बता के 800 रुपये प्राइस बताया था इन्होंने। और कुछ बेडशीट्स वगैरह भी दिखाई थी, कैंडल बेडशीट्स वगैरह भी दिखाई थी भाई साहब ने। सो मैं बंजारा मार्केट से क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। बस इसी तरह से हम भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए मार्केट से बाहर निकल आए। तो आज का ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैंने बंजार मार्केट की ही एक शॉप कवर की है होम डेकोर की आइटम्स की। वीडियो पसंद आए तो चलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।